हेलो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं एसआरबी नेट एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2019 के डिस्कस करने वाली हूँ तो आज के फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन जो है द स्टडी ऑफ एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द प्लेनेट एंड ऑफ़ द फिन एसोसिएटेड विद एटमोसफियर मतलब ये पूछा गया है कि स्टडी के बारे में जो एयर सराउंडिंग द प्लेनेट एंड द एटमोस्फेयरिक जो एसोसिएशन से जो फिनम होते रहते हैं ये जो स्टडी डील करती है ये हो जाएगी मेट्रोलॉजी नेक्स्ट जो है वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजियन ड्यूरिंग अ लॉन्गेस्ट पीरियड तो यहाँ पर दो फैक्टर है एक है गिवन रीजन मतलब एक पर्टिकुलर रीजियन में मगर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन को रिकॉर्डेड होता है ये हो जाएगा क्लाइमेट और जब जो थर्ड वाला क्वेश्चन पर आप देख सकते हो कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम जब ये कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में मगर जस्ट उसी टाइम के लिए आ, जब ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा वेदर कंडीशन एटमोस्फेरिक कंडीशन को तब ये हो जाएगा वेदर क्लाइमेट होता है फॉर लॉन्ग फॉर रिकॉर्ड ऑफ वेदर और कंडीशन ड्यूरिंग अ लॉन्गेस्ट पीरियड एंड एट अ गिवन टाइम एंड गिवन प्लेस हो जाएगा वेदर नेक्स्ट जो है मनसून मनसून इज ए अराबिक वर्ल्ड है मनसून नेक्स्ट जो है गैसियस इनवेलप सराउंडिंग द अर्थ तो अर्थ के सराउंडिंग करके जो गैश इनवेल प्रजेंट है ये जो है इसको बोला जाता है एटमोसफियर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ ये क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी है इसका आंसर हो जाएगी आ, सन द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट uh, है सन और अर्थ के बीच में जो मीन डिस्टेंस है ये है 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू टू पर एट किलोमीटर डिस्टेंस के लिए यूनिट है और ये आपको याद करना पड़ेगा नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑन द सन इज अराउंड सन में जो टेम्परेचर होती है ये होती है अराउंड 6000 थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड हु हुनर्जी सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी वॉज डिस्कवर्ड बाई ऑगस्ट मॉच मतलब ये जो साइंटिस्ट है ऑगस्त इन्होंने सोलर एनर्जी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे द रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव्स अस फीलिंग ऑफ हॉटनेस तो सनलाइट से जो रेडिएशन होती है ये रेडिएशन को हम लोग बोलेंगे इंफ्रा और नेक्स्ट जो है द रेडिएशन्स एमिटेड बाई द सन सन से और एक टाइप के रेडिएशन्स इमिट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन कैंसर के लिए तो ये हार्मफुल होती है और ये जो रेडिएशन है ये हम लोग को ये हम लोगों को बोलते हैं अल्ट्रा वाइलेट एक हो गए इंट्रा एक होता है अल्ट्रा वाइलेट So, uh, uh, पूछा तो so, गया है एयर एंड सॉइल में अलग से सीओ टू का कितना है? है. होता है परसेंटेज वाइज पूछा गया है एयर में यह होता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट एंड सॉइल में यह होता है जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट तो मतलब सॉइल में सीओ टू कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट नेक्स्ट जो है एन एवरेज परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग टू अर्थ मतलब सोलर रेडिएशन का कितना परसेंटेज एवरेज एवरेज से जो अर्थ तक पहुंचता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हो जाएगा फिफ्टी परसेंट सोलर रेडिएशन का ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट आर्थ तक पहुंचता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई इज द फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई द क्लाइमेट तो क्लाइमेट को फर्स्ट टाइम जो जिन्होंने uh, uh, क्लासीफाई किया

द इंस्ट्रोमेंट मीन इंस्ट्रोमेंट एबल टू रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ऑल मेट्रोलॉजिकल डेटा बाई डिजायर इंटरवल एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस तो मेट्रोलॉजिकल डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रोमेंट हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम हम लोग कर सकते हैं ये हो जाएगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन द वैल्यू ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट इज वन पॉइंट नाइन फोर कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन मिनट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलर कॉन्स्टेंट की वैल्यू ए सर्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द आर्थ एंड इट इज नोन एज तो सोलर एनर्जी के पर्टिकुलर कुछ जो रेडिएशन आर्थ तक पहुँचते हैं नेक्स्ट आर्थ से ही वो रिफ्लेक्टेड होता है टू द स्पेस एंड ये जो फिनम है इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एल्बेडो द स्ट्रक्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी इस बहुत कंपटेटिव एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस तो वर्टिकली टेम्परेचर में जो डिफरेंस होती है विद एल्टीट्यूड तो उसको हम लोग उसी के हिसाब से एटमोसफियर स्ट्रक्चर का हम लोग डिवाइड किए हैं ऑल वेदर फेनोम लाइक रेन फॉग फ्रॉस्ट एंड क्लाउड ऑकर इन दोन ऑफ ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर में ये सब वेदर फेनोमेना होते हैं होते रहते हैं क्लोजेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर कौन सा लेयर है यह हो जाएगा ट्रोपोस्फियर जो एट टू एटीन किलोमीटर हाइट पे होते हैं ओजोन लेयर इट इज प्रेजेंट ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्टेटोस्फिर जो 20 टू 48 किलोमीटर हाइट में प्रेजेंट है द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोसफियर कोल्डेस्ट होते हैं क्या मेसोस्फियर रेडियो ट्रांसमिशन इज फाउंड इन रेडियो ट्रांसमिशन कौन से जोन में फाउंड होते हैं तो ये मिला आपको जाएंगे आइनोस्फियर uh, जोन में रेडियो ट्रांसमिशन होती है गैसलेस जोन अब इन, इन, इन अब इनमें से जो एटमॉस्फेरिक जोन में कौन सी जोन है जो गैसलेस होती है मतलब किसी के तरीके की गैसेस तरीक प्रेजेंट नहीं होती है ये हो जाएगा थार्मोस्फेयर जो मोर देन एटी किलोमीटर हाइट पे प्रेजेंट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड सनसेट के टाइम जो रेड कलर होती है इट इट ड्यू टू द डिस्पर्शन फेनोमेना डिस्पर्शन के लिए स्काई uh, का कलर ब्लू और सनसेट के कलर सनसेट के टाइम कलर रेड कलर आपको दिख दिखते हैं वट इज वेब ऑफ विजिबल सोलर रेडिएशन इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है विजिबल सोलर रेडियशन वेब लेंथ है जीरो पॉइंट थ्री नाइन टू जीरो पॉइंट सेवन नैनोमीटर वेब लेंथ लॉन्गर देन डैश इज नॉट विजिबल टू द आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रा रेड तो यहाँ पर इंफ्रा रेड के वेबलेन्थ के बारे में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा सेवन फिफ्टी द वेट ऑफ कार्बन ऑफ एयर एट एनी गिवन प्लेस एंड टाइम मतलब एयर में जो कार्बन प्रेजेंट है उसके कारण जो वेट एग्जॉटेड हो रहा है एट ए गिवन एंड टाइम में ये हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर का एक्सप्रेशन ऐसा ही है द मीन से लेवल प्रेशर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मिन्सी लेवल के प्रेशर होता है वन जीरो वन थ्री पॉइंट टू फाइव मिली बार तो प्रेशर की यूनिट यहाँ पर मिली बार से uh, मतलब बार होता है तो मिली बार यूनिट से एक्सप्रेस हुआ है मिन्सी लेवल के ये होता है वैल्यू व्हाट इज विंड इट इज एयर ब्लोइंग एट ए पॉइंट नेक्स्ट है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर सरफेस सरफेसिड नोन एज तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में जो सरफेस विंड्स दे आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये इसका नाम दिया है विंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड विंड डायरेक्शन के लिए हम लोग जो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये हो जाएगा विंड वेन विंड वेन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग विंड डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं विंड टर्बाइन यूजेस विंड टर्बाइन यूजेस काइनेटिक एनर्जी विंड टर्बाइन हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं हीट फ्लो इन सॉलिड और सॉयल टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन तो सॉलिड एंड सॉयल से में जो हीट फ्लो होती है ये जो प्रोसेस होती है इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन नेक्स्ट है हीट फ्लो इन लिक्विड एंड वाटर लिक्विड एंड वाटर में जो हीट फ्लो होती है इट इज इट इज बाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन एंड जब एयर से हीट फ्लो हो रहा है तो इसका प्रोसेस होता है बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन तो ये सॉलिड एंड सॉयल लिक्विड एंड वाटर एयर तीनों ही से जो हिट फ्लो के लिए जो प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं नेक्स्ट जो एम है यह है इवापोरेशन इट इज मेजर्ड बाय। इवापोरेशन के लिए हम लोग कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इवापोरीमीटर। विंड प्रेशर मे मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विफोर्ट स्केल

कंटिन्यूस टेम्परेचर रिकॉर्ड होती है बाय थर्मोग्राफ थर्मोग्राफ से हम लोग कंटिन्यूस टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द टेम्परेचर विदाउट कॉन्टेक्ट द ऑब्जेक्ट अब इस तरीके के जो थर्मोमीटर था, हम लोग यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर मगर ऑब्जेक्ट को छुए ही बिना ये हो जाएगी इंफ्रारेड थर्मोमीटर मतलब रेडिएशन से जो एनर्जी निकल रहा है इमिटेड हो रहा है उससे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एयर ये हो जाएगा ओजोनोमीटर इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट द इक्वल टेम्परेचर इक्वल टेम्परेचर जो जो रीजियंस से प्लेसेस है उसको उनसे हम लोग डॉटेड करते हैं तो जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों को मिलेगी इसका आउटकम ये हो जाएगा आइसोथम जब इक्वल प्रेशर का जो लाइन हो जाएगा ये मिल जाएगा आपको आइसोबर और जब इक्वल रेनफॉल अगर लाइन हो जाएगा यह हो जाएगा आइसो इक्वल क्लाउड कवर की जो लाइन ये हो जाएगा आइसो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है इन द रेंज 18 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट टेम्परेचर इन ए डे इट इज ऑब्जर्व एट तो पूरे एक दिन में कौन से टाइम में टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होती है ये होते हैं जस्ट बिफोर द सनशाइन सनशाइन के सनराइज uh, के जस्ट पहले ही, जो उस टाइम के एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कम होती है व्हाट इज द ड्राई एडाबेटिकेस लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर जोन में ड्राई एडाबेटिकैप लैप्स रेट की बारे में पूछा गया है इसका रेट हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फॉर्मुले ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज परसेंटेज इसकी एक्सप्रेशन फॉर्मूला है क्या वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर बाय वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड मतलब एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है और आ, और एयर को सेचूरेट करने के लिए जितना वाटर वेपर आपको जरूरत होगी उसको अगर आपको उस रेशियो का अगर आप मल्टीप्लाई कर तो हो हंड्रेड से क्योंकि फार्मूला परसेंटेज में पूछा रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज से होता है तो ये हो जाएगा फार्मूला द मनसून कवर सेवेंटी फाइव परसेंट रेनफॉल इन इंडिया ये होता है ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून जी इंडिया में मेजर कर, रेनफॉल कराते हैं डेट ऑफ ऑनसेट और मनसून इन इंडिया इंडिया में मनसून के लिए ऑनसेट डेट होते हैं फर्स्ट जून और जो विथड्रॉल डेट होता है डेट ऑफ मानसून की इंडिया में ये होता है थर्टी फर्स्ट सेप्टेम्बर इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है 400 मिलियन हेक्टर। वन पर्टिकुलर डे में जब रेन जब बारिश 2.5 मिलीमीटर mm और उससे ज्यादा होती है तब उसको रेनी डे डिक्लेयर किया जाता है एंड एवरेज साइज ऑफ रेन ड्रॉप होती है अराउंड 2 मिलीमीटर डायमीटर एटमोस्फेरिक वाटर इज नोन एज ग्रीन वाटर अब जो सॉयल वाटर होता है इसको बोला जाता है ब्लू वाटर च क्लाउड्स आर नोन एज रेनी क्लाउड्स तो रेनी क्लाउड्स से रेनी क्लाउड्स नाम से जाना जाता है क्यूमोलोनिम्बस एंड निम्बोस्ट्रेटस

क्लाउड रिकॉर्ड करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं ये हो जाता है ऑक्टा कोल्ड कोल्ड क्लाउड क्लाउड सीडिंग सीडिंग तो के लिए जो केमिकल यूज होता है तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोराइड और वार्म क्लाउड सीडिंग के लिए सोडियम क्लोराइड यूज होता है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस ये टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन से ये इज सिचुएटेड इन पुणे इट नाइन थर्टी टू फेनोमना ऑफ वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक के जो वार्मिंग फेनोमोना होता है ये होता है ई आई निनो और जब कूलिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक में जो फेनोमोना था ये होता है एल आई निनो हिच सर्फेस हैज लिस्ट एलबेडो जो अल्बेडो हम लोग पढ़ रहे थे अब उसी में पूछा गया कि इनमें से कौन से सरफेस में अल्बेडो सबसे लिस्ट अमाउंट में होती है ये होता है मॉइस्ट ब्लैक सॉइल में एंड इंजिन ऑफ डिजार्टिफिकेशन ये होता है ड्रॉट ड्रॉट में डिजार्टिफिकेशन होता है पीरियड ऑफ फोर कंजीक्यूटिव वीक्स फ्रॉम मे टू मिड अक्टूबर और सिक्स कंजीक्यूटिव वीक्स ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर तो ये होता है एग्रीकल्चर ड्रॉट जो आइडर ये फोर कंजीक्यूटिव वीक्स में होता है और नहीं तो ये सिक्स कंजीक्यूटिव वीक में अगर होता है तो इसका रिजल्ट होता है एग्रीकल्चर ड्रॉट वाइडली यूज इंडेक्स फॉर क्लासीफिकेशन ऑफ ड्रॉट ड्रॉट क्लासीफिकेशन के लिए हम लोग जो इंडेक्स यूज करते हैं स्टैंडर्ड ये होता है पार्मर ड्रॉट इंडेक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन हुई द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ about a target without being enough in, in physical contact with it so इसी तरीके से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं ये हो जाएगा रिमोट सेंसिंग और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी होता है हैदराबाद में मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इट इज़ डन फॉर थ्री टू टेन डेज मीडियम रेंज मतलब थ्री टू टेन डेज के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग होता है ये ये हो जाएगा मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अंदर होती है फोरकास्ट विल हेल्प इन प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉपिंग पैटर्न प्लान करने के लिए जिस तरीके की फोरकास्ट हेल्पफुल होती है ये हो जाएगा लॉन्ग रेंज वेदर एग्रो क्लाइमेटिकोन इन इंडिया आर फिफ्टीन अकॉर्डिंग टू एन बी एस एस एल यू पी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ये ट्वेंटी एग्रो क्लाइमेटिकोन होती है 15, और जो एन बी एस एल यू पी से जो एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिकोन हो जाएगा फिफ्टीन और एक होता है एग्रो इकोलॉजिकल रीजियन होता है ट्वेंटी वन नेचुरल वार्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जहाँ पर सनलाइट और सी ओ टू अदर गैसेस के लिए टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ग्लोबल टेम्परेचर तो ये हो ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट थ्री कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाई ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड और जो चीफ ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो चीफ ग्रीन हाउस गैस होती है ये होता है सी ओ टू ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग व्च ग्रीन हाउस गैस लिंक विद द राइस क्रॉप राइस क्रॉप से जुड़े होते हैं जो ग्रीन हाउस गैस ये होता है मिथेन राइस कल्टिवेशन फील्ड में मिथेन जेनरेट होती है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन ओजोन डिप्लेशन के लिए होता है कार्बन सी एफ टू सी एल टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होता है ओजोन डिप्लेशन के लिए और जो सब्सिट्यूट होते हैं बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर होते हैं द केमिकल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एसिड प्रेसिपिटेशन एसिड प्रेसिपिटेशन के दौरान जो केमिकल्स पाया जाता है ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ये दोनों केमिकल्स सबसे हार्मफुल uh, होती है नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक इन पी एच एंड इसका पी एच का वैल्यू uh, क्या है इसका पी एच वैल्यू है फाइव पॉइंट सिक्स तो इसी के साथ आज का जो सेक्शन लेक्चर सेशन यहाँ पर खत्म होती है आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी अगर अब ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग